हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो रहने वाली है पीसीसी के ऊपर, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के ऊपर, किस तरीके से प्लेस की जाती है, क्या क्या मटेरियल लगता है और क्या क्या प्रोसेस रहता है, डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपका ज़्यादा ना समय लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की हमारी जो है पीसीसी अभी प्लेस हो रही है। मिक्सर की बात करें तो कुछ इस तरीके का मिक्सर रहने वाला है। एग्रीगेट और सैंड की बात करें तो आप देख सकते हो 40 mm का आपका सैंड रहने वाला एग्रीगेट रहने वाला है और सैंड भी आपका कोर्स रहने वाला है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से पीसीसी को जो है प्लेस किया जा रहा है। थिकनेस की बात करूँ तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर की रहने वाली है। पीसीसी करने से पहले ग्राउंड जो लेवल होता है हमारा, उसको बिल्कुल गुरमुट या किसी से कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर लेवल करते हैं और लेवल हमारा बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम फिर कंक्रीट बनाते हैं। इसकी रेशो हमारी रहती है 1:6 भी होती है, 1:4:8 भी होती है, 1:5:10 भी रहती है। तो रेशो का यूज करके हम जो है पीसीसी को डालते हैं एज पर डिज़ाइन कौन सा दिया गया है। उसको मिक्स करके फिर नीचे मशीन से फेंका जाता है। उसके बाद मिस्त्री जो है उसको गुरुमाले की या करंटी की सहायता से जो है प्लेन करता है। और उसके बाद जो ये साइड में चैनल लगाए गए हैं, आप 24 घंटे के बाद इनको निकाल सकते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते तक इसकी जो है आप ट्यूरिंग करेंगे, उसके बाद ये आप अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ दे देता है। उसके बाद आप फिर इसके ऊपर फील्ड बाइंडिंग कर सकते हैं। तो ये था पीसीसी का प्रोसेस। आई होप आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉलम के लेआउट के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको पीसीसी के बारे में बताया। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा।